शारदीय नवरात्र में संधि पूजा का खास महत्व माना जाता है। नवरात्र की अष्टमी पर संधि पूजा का खास महत्व होता है। संधि पूजा यानी जब नवमी और अष्टमी के समय का मिलन हो रहा हो। इस काल में संधि पूजा होती है। जब एक तिथि समाप्त होकर दूसरी तिथि प्रारंभ हो रही हो तो उस काल को संधि काल कहते हैं। इस काल में पूजा करने को संधि पूजा कहा जाता है। इससे अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन और देवी की एक ही समय में पूजा हो जाती है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि समाप्त 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगा। शारदीय नवरात्र में संधि पूजा का समय 11 अक्टूबर 2024 दोपहर 11:42 से दोपहर 12:30 तक। संधि पूजा दो घटी तक चलती है जो लगभग 48 मिनट का समय होता है। संधि पूजा का मुहूर्त दिन में किसी भी समय पड़ सकता है और संधि पूजा मात्र उसी समय संपन्न की जाती है। शारदीय नवरात्र में संधि पूजा करने की विधि, संधि पूजा का शुभारंभ घंटी बजाकर करते हैं। उस दौरान माँ दुर्गा के सामने 108 दीपक जलाकर 108 कमल के फूल, 108 बिल्व पत्र, आभूषण, पारंपरिक वस्त्र, गुड़हल के फूल, कच्चे चावल, अनाज, एक लाल रंग का फल और माला अर्पित करते हैं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें कद और ककड़ी की बलि चढ़ाएं। फिर माता दुर्गा का विधिवत हवन करें। इसके बाद अंत में मां की आरती करके प्रसाद वितरण करें। शारदीय नवरात्र में क्यों करते हैं संधि पूजा? संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा हो जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस काल में देवी दुर्गा ने सुर, चंड और मुंड का वध किया था। उसके बाद अगले दिन महिषासुर का वध किया था। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्र में क्या होगा संधि पूजा करने से? संधि काल के समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस काल में किया गया हवन और पूजा तुरंत ही फल देने वाला माना जाता है। संधि पूजा के समय केला, ककड़ी, कद्दू और अन्य फल सब्जियों की बलि दी जाती है। संधि काल में 108 दीपक जलाकर माता की वंदना और आराधना की जाती है।